और जैसे ही सही होता है वैसे हम फटाक से वापस निकलते आगे ओंकारेश्वर के लिए। सो हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वह है गणेश विसर्जन का, और हम जाएंगे आज गणेश जी को विसर्जन करने ओंकारेश्वर। और अभी टाइम हो रहा है सुबह की 4:30 बज रही है, वो तो अपनी ट्रेवलर आ रही है, तो अपन ट्रेवलर का इंतजार करते हैं और फटाक से निकलते हैं, तैयार होते हैं, चलो। तो अभी फाइनली सुबह की 4:30 बज रही है और हमारी ट्रेवलर आ चुकी है, तो हम जाएंगे फटाफट। और हमारा यात्रा गणेश जी ठंडे करो, हाँ गणेश जी हमने विसर्जन करो ठंडे ठंडे, ऐसे शब्द उल्टे शब्द बोलता है, विसर्जन करेंगे गणेश जी। और हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर, तो ये हमारी ट्रेवलर है और हम नीनी करके 20-30 जने हैं जितने भी है, देखते हैं अभी कौन कौन आता है, अभी उठे नहीं है बहुत सारे। तो गाड़ी में मतलब कुछ हो गया है, तो अभी रुके हुए रास्ते में, क्या पता क्या हो गया, अब देखते हैं। अब दद्दू बोल रहे, बोले जुगाड़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हो गया है, ये देख सकते हो आप लोग। और जैसे ही सही होता है वैसे हम फटाक से वापस निकलते आगे ओंकारेश्वर के लिए। अभी रुके हुए हम रास्ते में, क्योंकि अभी सोचा अभी नाश्ता वास्ता कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे ओंकारेश्वर के लिए। और अभी गणेश जी को भी विसर्जन करना है, तो आप देख सकते हो इसके पीछे गणेश जी है। चलो चलते अपन नाश्ता जा कर रहे हैं, लोगों देख सकते हो यहाँ पे नाश्ता कर रहा है सबके सब। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चल रही है अपना पूरा कार्यक्रम, यहाँ बनेगा पोहे का नाश्ता, और हम ये इतने सारे जने 20-25 जने, और वो खड़ी अपनी गाड़ी। तो अभी देख सकते हो कितनी मेहनत चल रही है, सब लकड़ी ढूंढ रहे इधर, क्या हुआ। तो अभी फिलहाल हम रुके हुए थे यहाँ पे नाश्ता करने के लिए, बनाने के लिए। तो अभी भैया आ गए हमारे, जिनका घर यहाँ पे ही है बड़वाए में, तो उनसे जो भी सामान लगेगा हम इनसे ही मंगाएंगे। सही है कि नहीं। तो चलो आगे चलते हैं अपन। तो अभी हमारा फाइनल नाश्ता तैयार हो चुका है, तो सब भूखे नंबर सब घुस गए खाने के लिए। फाइनली अभी हमारा हो गया नाश्ता खत्म, अब हम यहाँ से पता नहीं कौन है, तुम पीछे देखो पीछे। निकलेंगे सीधा ओंकारेश्वर के लिए, चलो चलते आगे। हर हर महादेव। तो पीछे का लोकेशन, तो गणेश जी निकालेंगे अब। हरिया गाड़ी आ रही है, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मोरिया रे।
गणपति बाप्पा जय गणपति बाप्पा। सो तो फाइनली हमारा होगा गणेश जी ठंडे, अब यहाँ से हम निकलेंगे फटाफट ओंकार सर के लिए। गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा। From Snapchat Vashu Gully। वो हमारा गाड़ी वाला क्या मालूम क्या कर रहा है, गाड़ी लेकते हुए जा ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, क्या मालूम क्या हो रहा है ड्राइवर को, रोक ही नहीं रहा गाड़ी, इतनी दूर चल गया। नहीं ट्रैफिक कहाँ दिख रहा है पागल, ट्रैफिक तो है ही नहीं, तो चलते हैं पैदल पैदल ही, अब क्या करें वहाँ तक। फाइनली हम लोग पहुँच गए ओंकारेश्वर, अब जाएंगे घाट पे, चलो चलते। ये एक बंदर एरिया और एक बंदर एरिया, ये मेंढक है ये तो अब यहाँ से हम जाएंगे पैदल पैदल नदी तक नागर घाट पर। वो तो यहाँ पे अभी नई मूर्ति लगाई गई है परिक्रमा में, और वो यहाँ से भी दिखती है, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ से। मध्य प्रदेश में जो दो ज्योतिर्लिंग है ना, तो एक उज्जैन में है और एक ओंकारेश्वर में, ओंकारेश्वर की ये रही, ये सामने जो मंदिर है ना, ये आप देख सकते हैं ये यहाँ तक पानी भर गया था, और यहाँ पर जो पानी भरा था ना, तो यहाँ पर 178 तक भरा आया था, मतलब ये पूरा डूब चुका था पानी में पूरा। हर हर महादेव, शिव शंभु, हर हर महादेव, शिव शंभु। हम लोग पहुंच गए हैं नागर घाट पे जो ओंकारेश्वर के अंदर है, और यहाँ पर तो पानी का माहौल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, 1% भी पानी का माहौल नहीं दिख रहा, देखो है, क्या नहीं 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 ये नहीं हो सकता, वो वाला बोस क्या होता है, पूरा सूखा हुआ है। तो अब देखते हैं आगे है पानी, बाकी नहाने का मजा आ जाएगा, क्योंकि मतलब ज़्यादा भाव वाव कुछ भी नहीं है पानी का, तो क्या है कोई डूब भी नहीं सकता है, तो नहाने में मज़ा भी आ जाएगा उसको नहाने में। देख सकते हो हमारी मंडली, उनको बोला था पहले कि इधर से आ जाओ तो नहीं आ रहा है, पर लेकिन अब सहारा ले लेके आ रहे हैं लस्सी का। मतलब यहाँ पे इतना सूखा हुआ पड़ा है, मतलब बिल्कुल भी पानी नहीं है, अपन इस पार से उस पार जा सकते हैं, बिल्कुल उस पार जा सकते हैं अपन, क्योंकि उधर पानी ही नहीं है। ये देखो पानी तो बहुत है, मेरा भी बना है, पानी तो बहुत है, बट है ना यहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति बनी 108 फीट की, तो उस चक्कर में पूरा डैम का पानी रोक रखा है ताकि काम चल सके उसका, इस चक्कर में पानी रोका हुआ है, तो ज्यादा सूचना चाहिए ना तो खुद आके देख ले, बिल्कुल मत कर आपका। फाइनली अभी हम लोग नहा चुके हैं, क्योंकि अभी हमको वापस जाना है गाड़ी लेने और सामान लेने खाना आने का, तो वो लाएंगे वो अभी सामने की साइड में, और वहाँ से उठा के वापस हमारे को यहाँ पे लाना है जहाँ पे अभी नहाए थे अपन, वो खाना ना बनाएंगे शाम के लिए और वापस से नहाएंगे। तो अभी हम लोग आ गए पार्किंग पे, और यहाँ पे इतना रास्ता भटक गया, उनके बहुत ज़्यादा रास्ता भटक गया, मतलब समथिंग आधा से पौन घंटा लग गया है ना बिन्नू, हाँ भैया आधा से पौन घंटा लग गया हमारे को रास्ता ढूंढने में, और अब जाके पहुँचे सामान ले जाएंगे और फिर खाना बनाएंगे। हाँ। हाँ।
तो अभी हम निकाल रहे हैं खाने का सामान, फिर हम जाएंगे खाना बनाएंगे और फिर खाएंगे। चलो चलते हैं। वापस से रास्ता भटक गए अब ले जाते वक्त। अब देखो आगे का रास्ता कैसा है, पूरा कच्चा कट और वो नदी उस पार। यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आ रहा है, बहुत प्यारा। ये डैम आप देख सकते हो, बहुत पास में ही अपने। तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे, व्यू अच्छा रहा तो रील वील बनाएंगे इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा हो तो जाओ फॉलो करो विनायक पटेल 0 करके। मिस्टर बाबू बटर भैया, मिस्टर बाबू बटर 110 के फॉलोवर थे, गरीब को फॉलो कर लो। ये व्यू देखो पूरा। थोड़ी देर के लिए मैं लेट गया था, मतलब 2 बजे से 4:30-5 बजे थी अभी, और पानी था नहीं ना, मतलब था पर लेकिन कम था। पर अब देखोगे तो पानी इतना ही पानी कि बहुत पानी पानी, ये देख सकते हो कितना पानी है। डैम खुल गया ना उधर से तो पूरा पानी बाहर निकल गया, बहुत पानी हो गया अब तो। अभी हम जा रहे हैं वापस से नहाने नीचे, तो अपन आप नीचे से देखेंगे कितना पानी है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है, देख सकते हो आप लोग। अपन आ गए नीचे, और नीचे का व्यू देखो कितना पानी हो गया, मतलब पूरा पानी पानी हो गया। उस वक्त एक भी मतलब बिल्कुल भी पानी नहीं था, था पर लेकिन बहुत कम था। जब अपन सुबह सुबह आए थे 10:30-11:12 बजे का, और अब देखो पानी ही पानी, मतलब पूरा पानी में हो गया अब तो। कितना प्यारा व्यू आ रहा है, जब हम आएंगे। तो अभी शाम का स्नान ले लिया अपन ने, और अपन अब जाएंगे ऊपर वहाँ पर जहाँ तक खाना बन रहा है अपना, और खाना ना खाते फिर चलते हैं फटाफट घर। बाकी व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो।